हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद तौहीद रजा पटेल और आज हम देखने वाले हैं एथिक्स का डेफिनेशन, एथिक्स का यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन और बाकी सब चीज़ें जो देखना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे एथिक्स क्या है। एथिक्स जो है दोस्तों, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है एथिकोस, जिसका मान मतलब है रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर। मतलब आप समझ गए हो, रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर, कैरेक्टर एक इंसान का जो कैरेक्टर होता है, जो उसकी सोच होती है, जो उसके वैल्यूज होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, वो सब आपको एथिक्स बताता है। एथिक्स का सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर एक और लिखा है कि इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर विद इन सोसाइटी। एंड ईच सोसाइटी, कोई भी, हर सोसाइटी कुछ ना कुछ रूल्स और रूल्स बनाती है, जो कि वो सोचती है कि आना चाहिए, ये चेंजेस देखना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस उन रूल्स में होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी जो पीपल, जो लोगों को बहुत अनसर्टेन कर देती है कि कौन से रूल्स को फॉलो करना, कौन से रूल्स को फॉलो नहीं करना, ये बात भी एथिक्स बताता है। तो चलिए देखते हैं नीड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। हम नीड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि हम देख रहे हैं एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो उसका यूज ऑलमोस्ट बिजनेस में होता ही है, तो हम ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। सो नीड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस में मैंने दो पॉइंट देखा हूँ कि जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने लग गए और उनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है उनके पास्ट डेकेड्स पे, उनके पिछले कामों को, जिससे उनके जो बिजनेस है वो कोलैप्स होने के डर पे है, उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने की लाइन में है। तो उसके लिए हमें एथिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। सो एथिक्स की इसलिए बिजनेस में ज़रूरत है। कुछ बिजनेस एथिक्स फिर भी बनाए गए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं आप, कुछ ऐसे बिजनेस एथिक्स इम्प्रूव करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। जैसे कि एक कोऑपरेट ऑफिसर, कोऑपरेट एथिक्स ऑफिसर वो अपॉइंट कर रहे हैं, एक सीनियर लेवल मैनेजर टाइप, या आप बोल सकते हैं हाई लेवल में ऑफिसर भी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है जो बिजनेस एम्प्लॉयज को फॉलो होने चाहिए। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एक और बहुत सारी और भी चीज़ें करती है, जैसे कि कॉर्पोरेट कोड एथिक्स बना रही है, फिर कुछ सोशल ऑडिट्स वो कंडक्ट करती है, जिससे अवेयरनेस हो एथिक्स क्या है और क्यों हमें बिजनेस में भी एथिक्स बताना चाहिए। देन वी हैव एम्प्लॉयज़ को कुछ एथिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि बिजनेस एथिक्स बना रहे और उनमें और मुनाफा, बिजनेस में और अच्छा, इंक्लूडिंग एथिकल क्राइटेरिया इन एम्प्लॉय अप्रेजल्स। एम्प्लॉय के जो अप्रेजल लेटर्स होते हैं उनमें भी वो एथिकल क्राइटेरिया इंक्लूड करिए, ताकि उन्हें अच्छा एक लाइन मिले रहे। देन वी हैव हमने नीड ऑफ एथिक्स देख ही लिया है, बिजनेस एथिक्स कुछ देखिए, फिर कुछ एथिकल डिसीशंस होते हैं जो एथिकल डिसीशंस हमें इंश्योर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि, और इस उनको देखने के लिए कुछ अप्रोचेस मैंने यहाँ पर डाले हैं, जैसे कि स्टे ट्रू टू योर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहाँ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उन रूल्स पे आपको सही रहना है, आपको ट्रू रहना है। देन फिर एक पॉइंट है कि क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सो ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए आपको। देन वी हैव कुछ एथिकल कंडक्ट्स जो आपको देखना चाहिए आपके वर्ड्स और एक्शंस में, वो भी आपको देखना चाहिए, ताकि एथिकल डिसीशन आपका बना रहे या फिर दूसरे आपके बिजनेस का सही रहे। देन ये लास्ट पॉइंट है कि ट्रीट कलीग्स, जो आपके साथ के काम है, आपके साथ के काम वाले, आपके कस्टमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं,
उन सबको रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस ये सब चीज़ें आपको आपके बिजनेस में भी मुनाफा लाएंगी और आपके एथिक्स भी सही रखेंगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि देखना चाहिए आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग के समय। फिर कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज में को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो ये फैक्टर्स हम आईटी में ये एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री बोले तो आईटी वर्क ऑलमोस्ट वही देखा जा रहा है ऑलमोस्ट। सो हम ये भी देखने वाले हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज और इन इंडस्ट्रीज। सो वहाँ पर क्लाइंट सोफिस्टिकेशन हो रहा है, गवर्नेंस, कनेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉड्यूलराइजेशन। सो फर्स्ट क्लाइंट सोफिस्टिकेशन, क्लाइंट्स जो है वो बहुत अवेयर है कि उन्हें सर्विस प्रोवाइडर्स क्या चाहिए, तो उसी की डिमांड वो कर रहे हैं और वो भी डिमांड कर तो रहे हैं पर वो ये भी देख रहे हैं दूसरी जगह कि हमें कहाँ कम कम चीप रेट में, चीप लोएस्ट बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे वो देख रहे हैं कि कोई भी चीप रेट पे उन्हें बेस्ट सर्विस मिले उसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट, गवर्नेंस। गवर्नेंस एक मेजर, बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज के तरफ। सो गवर्नेंस इज अ थिंग दैट बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं, जैसे स्कैंडल मीन्स एक लीगली रॉन्ग थिंग और इलीगल थिंग हो रहे हैं बहुत सारे, जिसके लिए जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बताए हैं, कुछ स्कैंडल्स, कुछ लॉज ऐसे बने, टफर लॉज है जो कि अफेक्ट कर रहे, ट्रांसफॉर्म कर रहे प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज को। देन वी हैव कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर दोस्तों क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, वो दोनों क्लाइंट और क्या बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, ये दो जो है ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से इजीली और इंस्टेंटली, वो भी यूजिंग टेली कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। देन वी हैव वॉइस मैसेजेस। देन देर आर मैनी अदर कनेक्टिविटी थिंग्स लाइक फोन्स एंड अदर मल्टीमीडिया थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज अराउंड द ग्लोब। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो डील करता है कोई भी अटेम्प्ट आप कर रहे कुछ चीज़ सामने लाने के लिए, कुछ चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए जो कि पहले हिडन था या सही नहीं था या अनक्लियर था, उसे हम ट्रांसपेरेंसी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बोले तो ट्रांसपेरेंसी से एक और चीज़ होती है कि आपका जो क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर्स है या एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है, वो अच्छी बात है और इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और अफेक्ट कर रहा है प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज को। देन वी हैव टू मोर पॉइंट्स, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड मॉड्यूलराइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सच बताओ तो ये हज़ारों सालों से, थाउजेंड ऑफ डेकेज से हो रहा है और अभी बहुत अच्छा स्पीड अप कर लिया है ग्लोबलाइजेशन ने। सो ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरेक्शन है, यानी आप लोगों से बाहर मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर देन आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बातचीत करते हैं। देन वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, सो उनसे इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन करना फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सो वो होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। और ये जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर भी मैंने टाइप किया हूँ कि ये जो चीज़ है वो हजारों साल से चालू है। देन वी हैव मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन मींस जैसे आप बोल सकते हैं अभी अगर आप साइंस स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट हो आप, तो जब आप मॉड्यूलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल्स में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे हो चुका है अभी कि कुछ टॉपिक्स को कंबाइन करके जो ऑलमोस्ट सिमिलर है वो एक मॉड्यूल बना रहे हैं। फिजिक्स की वन मॉड्यूल्स, केमिस्ट्री की वन मॉड्यूल, देन केमिस्ट्री की सेकेंड मॉड्यूल, देन थर्ड मॉड्यूल। सो दिस जो ये जो चीज़ हो रही है ये प्रोसेस को ही हम मॉड्यूलराइजेशन बोल सकते हैं। और बिजनेस में ऐसे बुक्स की बात नहीं करूँगा मैं,
बिजनेस में अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रोडक्शन हाउस इनटू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया था एक बुक को, वो सिमिलर टॉपिक्स को एक एक कुछ कुछ पन्नों को साथ में लाके छोटी छोटी बुक्स बना रहे हैं, वैसी मॉडर्नाइजेशन है कि जो ब्रिक प्रोडक्शन हाउस है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्केल करके अलग अलग कर रही है, जैसे टेक्निकल वर्क के लिए अलग स्मॉल स्केल एंड मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन हाउस के लिए थोड़ा अलग। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है दोस्तों, और प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज में भी बदलाव आ रहा है और ये अफेक्ट कर रही है उन्हें। देन वी हैव मॉडर्नाइजेशन का असली मकसद है कि एक फैब्रिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मॉडर्नाइजेशन कैन रिजल्ट इन द यूज ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। सो मेरा कहना है ये पर कि चेंजेबल पार्ट है प्रोडक्शन लाइन में वो मॉडर्नाइजेशन ऑलमोस्ट देख रही है, और ये अफेक्ट और ट्रांसफॉर्म भी कर रही है प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज। सो ये तो हो गए फैक्टर्स दोस्तों प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्रीज में। देन हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो एथिक्स में इंक्लूड की गई है, जो एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड की है, जैसे फॉरेंसिक कंप्यूटर। सो फॉरेंसिक कंप्यूटर की बात करें तो ये एक साइंस आप बोल सकते हैं जो कलेक्ट करता है, एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है रिपोर्ट्स को। में ये IT में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो रहा है इन अ मैनर दैट इज इलीगल, दैट इज लीगली एक्सेप्टेबल। सो दिस इज फॉरेंसिक कंप्यूटर, और वो लीगली एक्सेप्ट भी होता है कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये लीगली एक्सेप्टेबल है और ये ही फॉरेंसिक कंप्यूटर कहलाता है, और इसका मेन मोटिव जो है दोस्तों वो एविडेंस ढूंढना है और उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना वो है फॉरेंसिक कंप्यूटर। देन वी ऑल्सो हैव वन मोर पॉइंट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ द एविडेंस शुड बी इन अ मैनर दैट इज लीड्स टू लीगल एक्शन ऑफ द क्रिमिनल। सो दिस इज द मेन मोटिव कि एक क्रिमिनल को लीगली एविडेंस के थ्रू क्रिमिनल बनाना एंड निर्दोष को निर्दोष साबित करना, ये फॉरेंसिक कंप्यूटर बहुत मदद कर रहा है कोर्ट को भी और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज को। सो दिस इज फॉरेंसिक कंप्यूटर। देन वी हैव रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट बात करें तो ये एक प्रोसेस है, इवैल्यूएशन है, एक प्रोसेस है जिसमें इवैल्यूएशन हो रहा है किसका, उस सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क का जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि एक रिस्क है उनके कंप्यूटर्स को, उनके नेट हब्स को, जो कि रिस्क असेसमेंट कंप्यूटर्स और नेट हब्स को बचा रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ इवैल्यूएशन के थ्रू। देन वी आल्सो हैव हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव 5 स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट। जो भी आपका हैजार्ड लगता है, जो भी आपका गड़बड़ लगती है उसे पहचानिए, आइडेंटिफाई द हैजार्ड। देन उसके बाद ये पता कीजिए कि उसको हार्म हो सकता है, वायरस से कैसे हार्म हो सकता है, किस चीज़ से हार्म हो सकता है उसे पता कीजिए। देन इवैल्यूएट द रिस्क, उस रिस्क को नापिए, उस रिस्क को इवैल्यूएट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप उससे थ्रू प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं उस नेट हब या कंप्यूटर्स बोलिए उसे बचाने के लिए। देन वी हैव टू मोर थिंग्स, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेड। आपकी जो भी फाइंडिंग्स है उसे रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपको आगे काम आए रिस्क असेसमेंट ऐसे ही इवेल्यूएशन में। एंड रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट एंड अपडेटेड। सो आपने जो भी रिस्क उठा के असेसमेंट इवेल्यूएशन किए हैं उसको आप रिव्यू करते रहिए ताकि आपको समझ में आए कहाँ आप गलत जा रहे हैं और कहाँ आप सही है। देन वी हैव मैंने सॉफ्टवेयर पेटेंट की बात कर लेते हैं पहले। सो सॉफ्टवेयर पेटेंट जो है कॉपीराइट है एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पे जो आपको देती है गवर्नमेंट अगर आप कोई चीज का कॉपीराइट लेना चाहते हो तो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय स्टेट टू अ पेटेंट होल्डर, सॉरी नॉट अ कंट्री बट अ स्टेट, फॉर लिमिटेड कुछ वक्त के लिए। और ये जो पेटेंट जो भी एप्लीकेशन बनाता है
उसको ये राइट्स ग्रांट किया जाता है, मेंशन है, वो दूसरों तक ना पहुंचे, वो क्लोज रहे, वो उस तक ही उनके कंट्री उनके स्टेट तक ही रहे ताकि किसी और को पता ना चले। ये एक सॉफ्टवेयर पेटेंट का काम होता है। देन वी हैव वन मोर पॉइंट दैट हमें पता चला है कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो पेटेंट का पर्पस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज में दे दिया गया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स। सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच टेल्स यू अबाउट सॉफ्टवेयर पेटेंट। चलिए बैक चलते हैं। सो देन वी हैव पर्पिट्रेटर्स। पर्पिट्रेटर्स में आप देखें तो हैकर्स, क्रैकर्स, इंसिडर्स आपको दिख रहा होगा। और हैकर्स मतलब एक हैकर जो है वो एक लीगल इंसान होता है। वैसे तो मैं आप बोलेंगे लीगल कैसे। सो हैकर अलग है। एंड वन मोर वर्ड जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि वही टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी हैकर जो है ये एक लीगल वर्क करता है और ये हैक करता है आपके सिस्टम को आपकी मर्जी पे, आपके क्या बोल सकते हैं परमिशन पे। तो हैकर ये होता है। और हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके सिस्टम को हैक तो करता है पर गुड पर्पस के लिए, गुड पर्पस ऑफ द सिस्टम के लिए। देन और एक और बात कि हैकर को जो है ना उसे अच्छी नॉलेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, आपके सिस्टम की, आपके जो भी सिस्टम में यूज हो रहा है वो सब की। सो हैकर इज अ ब्रिलियंट नॉलेजेबल पर्सन और ब्रिलियंट पर्सन यू कैन से। देन वी हैव क्रैकर्स। सो क्रैकर जिसकी मैं बात करने वाला था भी वही आपको बता रहा हूँ। तो क्रैकर जो पर्सन है वो हैक करता है बट विदाउट एनी परमिशन ऑफ द ओनर और से इन एन इलीगल वे। जो क्रैकर होता है ना दोस्तों उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर के बारे में, ना ही लैंग्वेजेस के बारे में। आप नोट कर लीजिए भाई, तो उससे ज़्यादा नॉलेज रहती नहीं है। तो कुछ भी करता है अलता भलता और क्रैक कर देता है आपके सिस्टम को, हैक कर देता है, उसे हम क्रैकर कहते हैं। और ये क्रैकर कहीं पे भी हो सकता है, ना ही हैकर ना ही क्रैकर, ये दोनों ये जो दोनों डायरेक्टर्स हैं ये दोनों आपको बता के नहीं आएंगे, ये छुपे होते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट्स एन इंफॉर्मेशन एंड आई एम नॉट मैं किसी को अवॉइड नहीं कर रहा। सो इंसिडर्स, वी हैव एन इंसिडर। व्हाट इज एन इंसिडर सो फर्स्ट थिंग, सो इंसिडर जो होता है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर ट्रेड कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो इलीगल मीन्स से अगर कोई इंसान दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भेजे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बताए सीक्रेट ट्रेड, वो आपका कहलाएगा इंसिडर। सो हर बार यही देखा गया है कि ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो इंसीडर ही चुराता है। देन ट्रेड सीक्रेट्स को बचाने के लिए एक एक्ट बना गया है, एस्पियोनेज एक्ट। ये एक्ट बना है 1996 में। सो 1996 में जब ये एक्ट बना ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो इंसीडर्स ऑलमोस्ट कम हो जाना चाहिए था बट एज एन इंक्रीज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स ये लोग का पता चला हमें कि इंसिडर होते हैं, अभी भी हो रहा है। अब पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा। देन वी हैव एक और इंफॉर्मेशन इंसिडर के बारे में मैंने लिखा हूँ यहाँ पर कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ ग्रुप, दैट इज एक ऐसा पर्सन इंसिडर बन सकता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत जानता हो। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि कोई आपका ही साथी, या फिर कह सकते हैं कोई पुराना एम्प्लॉय, कोई पुरानी कस्टमर या पुराना कोई कुछ। सो ये सब इंसिडर बन सकते हैं वक्त के साथ, कोई बता के नहीं आता वैसे। थैंक यू दोस्तों। देन हमने ये दिस अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने कहीं कुछ अलग कहा या कहीं कुछ छूट रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।